हाय गाइस, तो हम दोनों हो गए तैयार। हमें एक्चुअली कुछ कपड़े डोनेट करने जाना है एक जगह, तो हमने सोचा चलो हमारा ऑटो बस आने वाला है क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो हमने ऑटो मंगवाया। हाँ, ऑटो मंगवाया है क्योंकि सामान ज़्यादा है। मैं आपको दिखाती हूँ जरा कितना सामान है हमारा। तो यहाँ पड़ा है हमारा सामान, ये तीन बड़े बड़े बैग्स हैं, इनको लेके हमें जाना है। पास में ही जाना है, लेकिन सामान ज़्यादा था तो उठाना तो मुश्किल ही है। भारी नहीं है, हैवी। गाइस, मम्मी आई हैं, मम्मी का ही ये प्रोजेक्ट है, तो मम्मी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं हमें कि क्या क्या कहाँ किसको लेके जाना है। अंकित ने एक बैग उठा लिया है और ये दो बैग्स मैं उठाऊंगी। वाह, हमारा चीता जा रहा है बच्चों को डोनेशन देने। चलो जी, एक बैग तो गया, दो बैग्स मैं उठा लूंगी। हाँ, ये एक। चलो, एक मम्मी उठा रही हैं, एक ये वाला बैग मैं उठा लेती हूँ। चलो जी, हो गया हमारा काम। तो गाइस, हमारा थोड़ा सा फोकट हो गया क्योंकि ओला है ही नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट पे। तो अब मम्मी के एक फ्रेंड ने अपनी गाड़ी भेजी है, तो हम उसमें सारा सामान ड्रॉप करने जाएंगे। अंकित उतर रहे नीचे। ये हम अपनी सोसाइटी से निकलते हुए, और अब हम जा रहे हैं वापस घर पैदल। अंकित और मैंने सोचा था कि चलो वॉक की वॉक भी हो जाएगी और आराम से पहुंच भी जाएंगे। चल के घर वापस जा रहे हैं, वो बहुत पास में था स्कूल जहाँ हमें डोनेट करना था सब। अंकित चलता हुआ जा रहा है वापस। और एक ये बहुत ही सुंदर जैन टेम्पल है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। कभी हम अंदर आके ना पूरा दिखाएंगे। और ये हम एंटर कर चुके हैं अपनी सोसाइटी। एक चीज़ जो सोसाइटी की बहुत अच्छी लगती है मेरे को, वो ये है कि बहुत क्लीन है और बस तीन चार घर छोड़ के हमारा घर है। अच्छा, लाइट जला लो। आ गए हम तो, एक मिनट। ये लो आपका समोसा। ओह। और ये मसाला और एक और चीज़ है ये पचाने के लिए, पास पास भी दिए उन्होंने। अभी फोटो नहीं ले रहे, अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं। तू क्या कह रहा था? माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर है, खा लो फिर मुंह भी फ्रेश कर लो। इससे कर लेती हूँ ना, पापा ने तो खाना नहीं। सोहन का समोसा है। गाइस, हम जा रहे हैं मॉल, मैकडॉनल्ड्स। बहुत दिनों से मैकडॉनल्ड्स ही खाया हमने, गोवा में तो मैकडॉनल्ड्स था ही नहीं। हाँ, या कहीं और, लेकिन लंच हमारा बाहर होगा। वैसे तो मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है, अंकित का मैकपफ खाने का बहुत मन है, तो मोस्ट प्रोबेबली पनीर बर्गर। अंकित का भी पनीर बर्गर, मैंने मूड बना दिया, तो हम वो खाएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। थोड़ी ग्रोसरीज भी लेनी है, वो भी लेंगे। और क्या करेंगे, और देखते हैं कुछ सेल वेल लगी है तो घूमेंगे फिरेंगे, कुछ सेल होगी तो ले लेंगे। अब एक साल बाद हम फिर से शॉपिंग पे जा रहे हैं।
मैं और अंकित प्रॉपर एक साल से ज्यादा और यहाँ हम जा रहे हैं ऑटो से क्योंकि हमें ऊबर मिली नहीं। बहुत कोशिश करी हमारे यहाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, मिलते ही नहीं है ऊबर। और गाइस ये है सराय की मार्केट, यहाँ पे बहुत रश होता है वीकडे में, तो आप मतलब ये भी नहीं सोच सकते कि आप ऑटो से भी यहाँ जा सकते हो। इंडिया में सारी मेन मार्केट्स जो होती हैं वो एक सी लगती हैं, मतलब बस रोड बड़ी छोटी होती है। बाकी आप राजस्थान चले जाओ या आप फरीदाबाद देख लो, मतलब हरियाणा देख लो, या आप कहीं भी चले जाओ, इवन गोवा भी चले जाओ, जो आपकी टिपिकल मार्केट्स होती हैं ना जहाँ लोकल शॉपिंग करते हैं, वह एकदम ऐसी होती हैं सारी। और ये हम पहुंच चुके हैं मॉल। मॉल में गाइस इतना रश था कि हम इसके आगे कुछ शूट ही नहीं कर पाए, हम इतने ज़्यादा पक गए थे कि बस बर्गर खाया हमने बर्गर किंग पे और हम बस चले गए वापस। बहुत मोटा ताज़ा मेहमान आया है, ये हमारी बहन छिपकली, मोटी छिपकली है, और अंकित को बहुत डर लगता है। हाँ हाँ गेट खोल रही हूँ, अभी तो मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अंकित को बहुत डर लगता है छिपकलियों से, और ये छिपकली मेरे सर पे गिरी थी कल और फिर इसको बाहर की कोशिश करी ऊपर चली गई, अब हम कोशिश करेंगे बाहर चली जाए। गौर से देखिए इस छिपकली को, और ये समझ गई है देखो मैम मेरी और तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी, तू कर ले, तू भगा दे चल, मैं अपनी वे में भगा रही हूँ, उसको पहले काम डाउन कर रही हूँ कि मेरी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ उसको बाहर अरे बहुत समझदार होती है, ये समझती है बातों को, एक बार मेरी छुपकली दोस्त भी बनी थी। देखो मैं तुम बस बाहर चली जाओ, यहाँ मेरे को गिर जाएगी अबे रहने दे, तू तू ही गिर जाएगा। खुशखबरी ये कि छुपकली भाग चुकी है फाइनली बाहर भाग चुकी है, ये सबसे ज्यादा खुश अंकित है इसको पैरानोया है छिपकली से। एक बार हम लोग थाईलैंड गए, वहां पे छिपकली रूम में आ गई, ये लॉबी में बैठा रहा पूरी रात, इतना पैरानोया है इसको आप लोग कुछ सजेस्ट करो इस पैरानोया से कैसे निकला जाएगा। वो तो शीशे में फिसल जाती है, इसकी चिपक नहीं बनी होगी तभी कल तेरे पे गिर गई। अरे यार कितना डिसगस्टिंग लगता है ना जब छिपकली गिरती है, जब कैसे बोलना नहीं चाहिए, बेचारी बोली सी होती है कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ना थोड़े तुझे कभी काटा छिपकली ने? कोई मूवी है जिसमें छिपकली काट के मार देती है किसी को? पता नहीं यार, मैंने कभी सुना नहीं रियल लाइफ में ऐसा होता। जो भी है खैर, तो फाइनली चिपके लिए भाग गई है, अंकित ने बहुत अच्छी टेक्निक लगाई थी तो उसकी काम कर गई, तो बस अब भाई ने अंदर अंधेरा किया, बाहर की लाइट जलाई, डोर खोला, और फिर छिपकली धीरे धीरे बेचारी ना वो शायद यहाँ फंस गई थी, उसको बाहर ही जाना था, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही वे निकालती निकालते बाहर चली गई। अंकित देखता रहा उसे जब तक गई नहीं ना बाहर, तब तक आंखें गाड़ के देख रहा था छिपकली को कि कहाँ जा रही है, और फिर फाइनली चली गई, और फिर फाइनली अब हमारा व्लॉग हो रहा है खत्म। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब मार देना, अंकित इतना खुश है ना